अगर आप लोग भी चाहते हैं कि एनसीबी का क्विक पे का जो कार्ड होता है उसका अकाउंट होता है अपने मोबाइल में बनाकर, यूजर नेम पासवर्ड बनाकर अपने मोबाइल से ही पैसा ट्रांसफर करें अपने देश में, तो बहुत आसान सा तरीका है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अपने मोबाइल पे पासवर्ड यूजर नेम बनाकर। मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल डिस्प्ले पे, तो सबसे पहले अलाली का एनसीबी का जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद यहां पे जो नीचे लिखा रहता है न्यू यूजर, तो यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे अपना जो आईडी नंबर 51 नंबर ये डालना है सबसे पहले। तो चलिए मैं अपना 51 नंबर डाल देता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से नया ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको एटीएम का जो कार्ड होता है उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, तो ऊपर नंबर लिखना है, नीचे पिन कोड लिखना है यानी पासवर्ड जो होता है वो डालना है। तो कार्ड का जो नंबर है वो डाल दीजिए, उसके बाद नीचे पिन नंबर डालकर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास नया ऑप्शन आएगा, तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो उसके बाद एक नया ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे यूज़र नेम और अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो यूज़र नेम में सबसे पहले जो अक्षर डालना है तो ये बड़ा वाला होना चाहिए, उसके बाद कोई भी नंबर लास्ट में मिला सकते हैं। उसके बाद जो नीचे है पासवर्ड में भी जो पहला होता है वो कैपिटल होना चाहिए बड़ा वाला, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद कोई भी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालकर प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और दोनों सेम होना चाहिए पासवर्ड। उसके बाद आपके पास नया ऑप्शन आएगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा, तो उस मैसेज को यहाँ पे डालना है। अगर सिम में लगा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप अलाउ करेंगे तो ऑटोमेटिक कलेक्ट कर देगा। तो देख सकते हैं ये अलाउ कर दीजिए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये बन चुका है थोड़ा ही देर में, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाएगा किस तरह से यूजर नेम पासवर्ड बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम बन चुका है और पासवर्ड तो आपको खुद याद रखना होता है। तो चलिए यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करके इसको फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको लॉगिन करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं मोबाइल पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल पर ओपन। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम डालना है ऊपर जो यूजर नेम बनाए थे, उसके बाद जो नीचे दिखाई दे रहा है पासवर्ड, तो जो पासवर्ड बनाए थे उसको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो आपके पास एक मैसेज आएगा आपके नंबर पे, ओटीपी जिसको बोलते हैं, तो इसका इंतज़ार करें देखिए, और यहाँ पे उसको डालना है। तो इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस टाइम में आता है, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दें। अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से कन्फर्म करना है, तो कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो आपका अकाउंट है ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पूरा बैलेंस दिखाएगा जैसा कि एटीएम में जाकर चेक करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपके सामने में शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें इतना बैलेंस है। उसके बाद आप आसानी से यहाँ पे सादात है, क्विक पे है, यहाँ पे क्विक पे पे क्लिक करके आप लोग जिस नाम से ऐड किए थे या अकाउंट ऐड किए थे उस पर आसानी से पैसा भेज सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ जानना है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर आज इसमें पूरा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, इसमें ट्रांसफ़र करके भी बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।